नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, नॉर्वे जो है उसे खिताब दिया गया है वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। तो आज मैं नॉर्वे के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने बहुत सी वीडियोस चैनल पे बनाए हैं, बट आज मैं आपके साथ कुछ पर्सनल चीज जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। और वो ये है कि वो एक ऐसा मेथड है जो कि जनरली जब मैं बहुत उदास होता हूँ तो मैं इस पर्टिकुलर मेथड को कई बार यूज करता हूँ। तो वो क्या है ऐसा मेथड जो कि आप लोगों को भी, चाहे आप कहीं पे भी हो पूरी दुनिया में, आपको एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए वो खुश करेगा। दिस इज अ साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड और इसके लिए आपको पैसा खर्चने की कोई भी जरूरत नहीं है, मात्र शायद एक रुपया। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक और आप भी कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या इस मेथड से जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपको एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए एक खुशी की जो है किक महसूस हुई कि नहीं। तो इससे पहले कि मैं उस एक मेथड के बारे में आपको बताऊं जिससे कि हम सभी थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट खुश रह सकते हैं, आपका मूड चाहे कैसा है, आपको चाहे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है, आपका चाहे फैमिली में प्रॉब्लम है, चाहे आप किसी भी टफ सिचुएशन में हैं, तो ये एक ऐसा मेथड है जिसे मैं अभी बताऊंगा जिससे कि आप एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए यू कैन फील दैट मोमेंट ऑफ जॉय। क्योंकि थोड़ा अलग सा वीडियो है तो आपको अगर इस तरीके के वीडियो अच्छे लगेंगे तो प्लीज़ बताइए, मैं इसी तरीके के वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं छोटी सी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है या मुझे पता है मैं वो आपको बताऊँगा, ठीक है, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि हर दिन हम लोगों के अंदर न्यूमरस इमोशंस होते हैं, राइट। कभी हम सरप्राइज्ड होते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं और कभी हम गुस्सा होते हैं। तो अब ये जो सारा खेल है वो क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व है, एक है आपका ब्रेन और दूसरे है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हुआ ये था कि सन 1988 में हमारे जो थे एक प्रोफेसर है जो भी जर्मनी में, उनका नाम है फ्रिट्ज स्ट्रैक, ठीक है। तो उन्होंने जो है एक हाइपोथेसिस थी जिसे बोला जाता था फेशियल हाइपोथेसिस, उसे करना था उन्हें टेस्ट। तो ये फेशियल हाइपोथेसिस है क्या, ये फेशियल हाइपोथेसिस कहती है कि आपका जो दिमाग है और आपका जो फेशियल के एक्सप्रेशन है दे आर इंटरकनेक्टेड। इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए आप किसी एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे कि आपको एक खुशी की न्यूज़ बाहर से मिलती है, जैसे कि आपकी प्रमोशन होगी, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, राइट, या फिर आपके मैरिज प्रपोजल को किसी ने एक्सेप्ट कर दिया जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो होगा क्या कि ब्रेन वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करेगा एंड उसके कारण क्या होगा कि आप हंसेंगे लाइक दिस, ओके। तो ये क्या है, ये ब्रेन से कमांड जा रही है आपके फेशियल एक्सप्रेशन को एंड यू आर काइंड ऑफ बिहेविंग, आप खुश हैं। बट फेशियल हाइपोथेसिस बोलती है कि भैया ये जो रिजल्ट है, ये जो इफेक्ट है, ये वाइस वर्सा भी होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यूं करके रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है वो इस तरीके से वायर है कि इट विल सिक्रीट सर्टन हार्मोन जिसके कारण कि आप खुश होंगे, ठीक है। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो जनरली आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट जो मुझे अभी तक समझ आया वो ये है कि जब आप इस तरीके से हंसते हैं तो थोड़ा सा जो ब्लड फ्लो है वो आपके दिमाग की तरफ ज़्यादा जाता है एंड दैट इज़ समथिंग विच हेल्प्स इन सीक्रेशन ऑफ दीज पर्टिकुलर हारमोन्स। और किन हारमोन्स की हम बात कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अब इसी फेशियल हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव या अप्रूव करने के लिए जो अपने प्रोफेसर थे, इन्होंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट रखा, एक सोशल एक्सपेरिमेंट रखा, राइट। तो इस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दो ग्रुप ऑफ पीपल डिवाइड कर दिए, जैसे कि हमेशा एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में करते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप को उन्होंने कहा कि भैया तुम ये लो पेंसिल, इस स्टडी का नाम उन्होंने रखा पेंसिल स्टडी। तो उन्होंने कहा कि इस पेंसिल को तो यूं करके मुंह में डालो, ठीक है, इफ़ यू आर ट्राइंग तो इट शुड बी हाइजीनिक, ये एवा की पेंसिल है, तो यूं करके मुंह में ऐसे दांत में दबाओ, ओके। और फिर उन्होंने कुछ इस तरीके के कार्टून उन्हें दिखाए, ठीक है। और दूसरे जो अपना ग्रुप था उनको उन्होंने कहा कि आप इस पेंसिल को दांत के बीच दबाएं ऐसे, और वही कार्टून उन्हें भी दिखाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि साथ में रेट करो वेदर इट इज़ फनी इट इज़ नॉट फनी, ठीक है। अब लेटर ऑन उनकी स्टडी में उन्होंने ये पाया कि जिन लोगों ने यूं करके पेंसिल पकड़ ली थी उन्होंने कुछ कार्टून को नॉट फनी कहा और उनका मूड जो था थोड़ा सा लो था। ऑन द अदर हैंड जिन्होंने यूं करके पेंसिल पकड़ी हुई थी उनको सभी के सभी कार्टून फनी लगे, देवर लिटरली उनका जो मूड था दैट वॉज एलिवेटेड। तो फिर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ऐसे करके पेंसिल को पकड़ा है उनके जो है ये फेशियल एक्सप्रेशन, हंसी के फेशियल एक्सप्रेशंस
के कारण क्या हो रहा है, उनके दिमाग में हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आपके डोपामिन हो गए या बाकी के सेरोटोनिन हो गए। ऑन द अदर हैंड जिन्होंने ऐसे कर रहा है उनको ब्रेन लग उनमें ऐसे ये जो है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यू आर नॉट फीलिंग वेरी जॉयस एंड हैप्पी, राइट। तो उन्होंने ये एक स्टडी करी थी 1988 में। तो उसके बाद इसके कई वेरिएंट्स आए हैं, कई लोगों ने इसे डिसअप्रूव करा है, स्पेंसर स्टडी को भी कईयों ने नहीं करा है। तो बट देखिए, साइंटिफिक स्टडी का हमेशा एक वो होता है, एक पहलू होता है कि पीपल विल ईदर बिल्ड ऑन इट और ट्राई टू डिस्ट्रॉय इट, राइट, और वैसा ही हुआ है। तो मेरा मुद्दा इज नॉट टू रिफ्यूट और रेक्टिफाई दिस पर्टिकुलर स्टडी, बट मेरा मुद्दा है ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं, और मैंने ये खुद पे कई बार किया है कि कई बार नॉर्वे में रहते रहते क्या होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आप यू नॉट फीलिंग वेरी जॉयस, आपको खुश नहीं, आप पता नहीं, हर चीज़ है आपके पास बट स्टिल यू फील दैट कि यार मैं इतना खुश नहीं हूँ। तो मैंने एक दिन ऐसे ही कर दिया कि चलो ये पेंसिल स्टडी है, तभी मुझे इसके बारे में पता लगा। तो मैंने ऐसे करके रखा, मैं मुंह में डेफिनेटली पेंसिल तो नहीं डालता बट ऐसे ही जस्ट ट्राई टू यू नो लाफ यू ऐसे डिम्पल दिखाते हुए, और मेरा मूड जो है इवन अभी जो है इट स्टार्ट्स वो जो है एक एलिवेट होने लग गया मेरा मूड, राइट। तो मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि आप भी एक्सपेरिमेंट कीजिए एक मिनट तक, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या फील हुआ। डिड यू फील कि भैया ये आप हैप्पी हुए, या फिर कुछ भी नहीं हुआ, या फिर आपने कहा ये सब बकवास है, ठीक है। और जनरली जैसे कि मैंने कहा कि जो अपने कुछ हार्मोन्स होते हैं वो है अपने ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और सेरोटोनिन, जिसके कारण कि आप खुशी की लहर आपके अंदर दौड़ेगी, राइट। तो ऐसा होना चाहिए। तो आप भी इसको अगेन मैं कहूँगा कि आप भी इस एक्सपेरिमेंट को दोहराएं, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि नहीं, राइट। तो देखिए, सिर्फ एक रुपये में आप एक पेंसिल ले सकते हैं, और पेंसिल की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आइसक्रीम का या लकड़ी भी कोई जो साफ हो, यू कैन जस्ट डू इट लाइक दिस ऐसे यू, वरना अगर आप खुश ऐसे रह सकते हैं दैट इज सो गुड, राइट। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आज की डेट में क्या रहा है, बहुत से जो लोग हैं वो बोटॉक्स की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कि आपके होंठ जो है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कैमरून डियाज के, वो एक पर्टिकुलर शेप में जाते हैं, जिसके कारण आपकी ये वाली मसल्स अगेन एक्टिवेट रहती है, यू गेट दिस फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी, राइट। तो बोटॉक्स का कराने का भी यही एक कारण है। इच्छा आपकी है, आपको एक पेंसिल एक रुपये में कराना है, या फिर आपको बोटॉक्स के थ्रू ये खुशी की फीलिंग लानी है, बट वट एवर वर्क फॉर यू, यू आर फ्री टू चूज। एट द एंड इस वीडियो में बस ये जो सेइंग है उसके साथ ये एंड करना चाहूँगा। समटाइम्स योर जॉय इज द सोर्स ऑफ योर स्माइल, बट समटाइम योर स्माइल कैन बी द सोर्स ऑफ योर जॉय। तो दोस्तों, क्या आपको वो खुशी की किक महसूस हुई? अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो मैं बोलता हूँ अभी इस वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और इस एक्सपेरिमेंट को आप एक बार दोहराइए, और अगर आपको महसूस हुई है वो खुशी की लहर थोड़े टाइम के लिए भी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तो साथ ही साथ जब आपका मूड अच्छा होगा तो हमें बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, एंड प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इसी तरीके के कुछ मजेदार और दिल दहलाने वाले वीडियो आपको चाहिए तो लेट अस नो। थैंक यू, नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे।